हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के स्टूडियो में अपन एक क्विक रिव्यू करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। इसकी कुछ डिटेल्स देखेंगे, देन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना कितना चल रहा है और लिस्टिंग के अपने को कितना मिल रहा है। तो चलिए अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। इसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स देख लेते हैं अपन, बेसिक डिटेल्स। तो कंपनी ये 2003 में फाउंडेड हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है अभी, इसको लेस देन 10 ईयर्स हुए हैं अभी। इसके बाद कंपनी करती क्या है, तो कंपनी मेनली ये केमिकल्स बनाती है और ग्लोबली सप्लाई करती है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर ग्लोबली। तो और कौन कौन से केमिकल्स बनाती है ये इसने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, सच एज परफॉर्मेंस केमिकल MEHQ BHF AP फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स एंड FMCG केमिकल्स। ये कुछ केमिकल्स हैं, इस टाइप के केमिकल्स बनाती है। FMCG कंपनीज के लिए बनाती है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए बनाती है और परफॉर्मेंस केमिकल्स भी बनाती है। इसके बाद कंपनी सप्लाई कहाँ कहाँ करती है, तो ये आउट ऑफ इंडिया काफ़ी कंट्रीज में सप्लाई करती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। द कंपनी सप्लाई इस प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज मार्केट। तो ओवरसीज मार्केट कौन कौन से इसके, चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान एंड जापान। ये इसके मेन कंट्रीज से जहाँ ये सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में तो करती है, उसके अलावा ये फॉरेन कंट्री में सप्लाई करती है। और इन्होंने इनके बायर भी बताए कौन कौन इनके बायर हैं, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बायर के नाम लिखे हैं, बायर AG, जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड, न्यूट्राइड इंटरनेशनल NV, SRF लिमिटेड और विनाची ऑर्गेनिक्स आर द फ्यू कस्टमर्स। तो ये इनके कुछ कम पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। और इसका अगर बात करें अपन 2020 की, तो इन्होंने जो टोटल रेवेन्यू था इनका 69% इन्होंने एक्सपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया, और ओनली इन्होंने 31% जो इनका रेवेन्यू है वो इंडिया से आया है। मीन्स इनका मेजर मार्केट आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया में ओनली इनका 31% मार्केट ही है अगर 2020 की अपन बात करें तो, जहाँ से इनका इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और इसके बाद अपन बात करते हैं क्लीन साइंस के दो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। पहली है कुरकुंभ में, ये महाराष्ट्र में, विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 29,900 मेट्रिक टन पर एनम। और ये दोनों इनकी यहीं पर हैं प्रोडक्शन फैसिलिटी, जहाँ पर ये 29,900 मेट्रिक टन एनुअली बनाते हैं। ये डेटा है 2020 का, 2020 में इन्होंने इतना प्रोडक्शन किया है। इसके बाद बात करते हैं अपन कंपनी की कंप्यूटर स्ट्रेंथ देखते हैं। तो कंप्यूटर स्ट्रेंथ में कंपनी बताती है ग्लोबली लीडिंग सप्लायर ऑफ सर्टेन केमिकल्स, एनसोल 4MAP, MHQ, BHA और DCC। ये कुछ केमिकल्स हैं जो कंपनी इनका लीडिंग सप्लायर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखें तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद क्लोज टू JNPT पोर्ट टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इनका जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ से JNPT पोर्ट पास पड़ता है, तो ये इजिली वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए इनका ट्रांसपोर्टेशन भी कम होता है। और जैसे कि इनका 69% मार्केट जो है वो आउट ऑफ इंडिया है, तो इजीली ये वहाँ से ट्रांसपोर्ट के थ्रू मीन्स शिप के थ्रू ये बाय सी ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की कस्टमर। जैसे इन्हें की कस्टमर बताएं पहले इनके, तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले कस्टमर हैं इनके, कंटिन्यू ये इनसे मटेरियल लेते रहते हैं, तो इनके कस्टमर बेस इनका अच्छा बना हुआ है। उसके बाद बात करें तो कंसिस्टेंटली ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बाद अपन देखने वाले हैं कि इनका फाइनेंशियल स्केच कैसा है। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल प्रेजेंस विद एक्सपोर्ट टू सेवरल कंट्रीज लाइक चाइना, USA, कोरिया, जापान एंड ताइवान। तो इनके जो बड़े बड़े कंट्रीज में ये माल सप्लाई करते हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंस काफ़ी कंपनी काफ़ी अच्छी है, लाइक चाइना, USA, कोरिया और जापान, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज को मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ थी। और अपन कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करते हैं अब। तो कंपनी के प्रमोटर्स के नाम यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं कुछ, अशोक राम नारायण एंड कृष्ण कुमार राम नारायण, सिद्धार्थ अशोक देन एंड पार्थ अशोक माहेश्वरी आर द कंपनीज प्रमोटर। तो ये कुछ कंपनी के प्रमोटर्स के नाम हैं, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स अपन देखते हैं। तो फाइनेंशियल्स में असेट्स, रिवेन्यू और पेट अपन देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये 2019, 20 और 21 का दे रखा है, और ये जो नंबर्स है मिलियंस में है। यदि आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इसको एक डिजिट हटा के आप इसमें करोड़ को रीड कर सकते हो। जैसे कि ये 3000 मिलियंस है, तो इसको आप 327 करोड़ रीड कर सकते हो। तो अपन देखेंगे टोटल असेट्स कंपनी का, तो ये 3000 मिलियंस था 2019 में, ये 2020 में बढ़ के 4000 हो गया, देन 6000, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है ये टोटल असेट्स दो साल में, तीन साल में। यहाँ पर 3000 था, तो 3000 ऑलमोस्ट 600 रुपये, 3600 मिलियंस रुपीज़। तो असेट्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई कंपनी की। अब अपन देखते हैं टोटल रिवेन्यू,
रिवेन्यू इनका 4000 था 2019 में, देन 2020 में 4300, देन 5300। तो रिवेन्यू भी 2020 से 21 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, 19 से 20 में ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है कंपनी की, लेकिन यहाँ पर इसने ओवरऑल देखे तो 4000 से 5000 रिवेन्यू की ग्रोथ हुई है काफ़ी अच्छी। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है, यहाँ पर 976 था, इसके बाद 1396, देन 1983। तो 3 साल में अपन देखेंगे 900 से 1900 पे चला गया है, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास चला गया है ये। तो इसकी प्रॉफिट भी कंपनी में बड़ा है, असेट्स भी बड़े हैं और रेवेन्यू भी बड़ा है इनका। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो काफ़ी अच्छे हैं फाइनेंशियल्स कंपनी के। लेकिन अब देखते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये इश्यू लाने का। तो कंपनी आप कहते हैं टू मेक एन ऑफर फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर एग्रीगेटिंग टू 15,466 मिलियन। तो ये इनको NSE BSE पर जो कंपनी का लिस्ट होगा उसका बेनिफिट्स लेना है, इसके लिए ये ऑफर फॉर सेल ला दे, और जो इनके एग्रीगेटिंग जो अभी इनके शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग वो कुछ अपने स्टेक्स इसमें सेल करेंगे। और सेकंड पॉइंट टू अचीव द सेल लिस्टिंग बेनिफिट ऑफ BSE एंड NSE, वो जो मैंने बताया आपको कि इनको जो यहाँ से जो इनको शेयर सेल करेंगे जो बेनिफिट्स मिलेगा उसका, उसी बेनिफिट्स के लिए ये IPO ला रहे हैं। उसके बाद अपन देख लेते हैं कुछ डिटेल्स इनका। तो IPO का जो ओपनिंग डेट है वो 7 जुलाई है, और जो क्लोजिंग डेट है वो 9 जुलाई है। उसके बाद ये इनका फेस वैल्यू 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर है, और अगर IPO प्राइस बैंड की बात करें तो 880 से 900 पर इक्विटी शेयर है। कट ऑफ प्राइस अगर आपको 900 पे मिलेगा तो आप 900 इसको कंसिडर कर सकते हो, और मार्केट लॉट में आपको 16 शेयर मिलेंगे, एक लॉट में आपको 16 शेयर मिलेंगे। और अगर 16 शेयर का अपन देखेंगे प्राइस तो 14,400 रुपीज़ आपको एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप मैक्सिमम देखना चाहते हो तो मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको 208 शेयर मिलेंगे, और मैक्सिमम अमाउंट आपको 1,87,200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और अगर इसका अपन देखें तो ये जो है अलॉटमेंट आपको 14 जुलाई को होने वाला है IPO का, और रिफंड आपको 15 जुलाई को जाएगा। हो सकता है आपको अलॉटमेंट भी 15 जुलाई को ही आए मॉर्निंग में, और शेयर आपको 16 जुलाई को डिमेट में क्रिएट हो जाएंगे मिलता है तो। जो लिस्टिंग डेट है 19 जुलाई इसका लिस्टिंग डेट है। उसके बाद अपन बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग, तो प्री इशू प्रोमोटर्स की होल्डिंग 94% है, और पोस्ट इशू 78 रह जाएगी, जैसा कि ये अपने खुद के शेयर सेल करने वाले हैं। तो इनका जो इनके प्रोमोटर्स का होल्डिंग हो 78% रह जाएगा आफ्टर द IPO। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, और अपन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं अब। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखोगे यहाँ तो अभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 468 रुपीज़, और IPO प्राइस बैंड आप देखेंगे 900 रुपये था, तो 900 रुपये पर आपको 468 रुपये मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ऑलमोस्ट ये मोर देन 50% आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।